क्या सेक्स सही है, गलत है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यूथ, वो यंग यूथ है, ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा इसी के बारे में सोच रही है और कुछ नहीं सोच रही है। वो जिम भी जाते हैं, निरंतर डंबल्स उठा रहे हैं, सारे फिटनेस कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 24-25 के उम्र में भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है। मेरा एक मित्र है, वो पहले कहता था कि मैं जिस दिन कुछ लाख कमा लूँगा मेरे जीवन में, मैं उसमें संतुष्ट होऊंगा। आज वो कुछ करोड़ पे पहुँच गया है, लेकिन आज भी वो पैसों के पीछे ही भाग रहा है। क्या सही में आज के युग में, हम कलयुग में, लॉयल्टी को हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? सो सबसे पहले प्रणाम गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आपके समय की कदर करते हुए मैं सीधे सवालों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि हमारे YouTube पे एट प्रेजेंट 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अक्रॉस 5 मिलियन है, और मैं इनको अपना दोस्त ही समझता हूँ। तो मैं ये सारे सवाल जो पूछ रहा हूँ, ये मेरी पूरी जनता मेरी दोस्ती है, तो दोस्तों के हिसाब से मैं आपसे सारे सवालों के जवाब चाहूँगा। सो गुरुदेव, मेरा पहला सवाल है, मेरा एक मित्र है ऋतिक, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी अड़चन चल रही है कि फिजिकली फिट जो काफ़ी सारे लोग हैं, जो जिम भी जाते हैं, निरंतर डंबल्स उठा रहे हैं, सारे फिटनेस कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 24-25 के उम्र में भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो गुरुदेव, पहला इसका रीज़न क्या हो सकता है, और दूसरा इससे कैसे बचा जाए? देखिए, एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, मगर रेस्ट, जितना गहरी विश्राम लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, नींद भी कम होती है, फिर बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको मैनेज करने के लिए भी, उसका रिवर्स मेटाबॉलिज्म लाने के लिए भी कोई टेक्निक हम नहीं करते। इसीलिए मेडिटेशन मैं करता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन, योग निद्रा। योग करने से क्या होता है, मसल तो बिल्डअप होता है, मगर उसके साथ नर्वस सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एनर्जी होनी चाहिए वो भी होने लगती है। ओके, हमारा सात सिस्टम है वैसे, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम है हमारे भीतर, एंड ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस तरह से इन सारे सिस्टम को जो सूक्त एक्सरसाइज होगी वो प्राणायाम और ध्यान होगा। और ध्यान से क्या होता है, हमारा जो DNA में टिनमुलिस करके होते हैं एक, वो बढ़ने लगता है। तो और दूसरी एक बात है, अभी ये जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन लेने के बाद बहुत लोगों को यह समस्या आ रही है, यंगस्टर्स को। अभी एक डॉक्टर ने हमको दिखाया, जब वैक्सीन के बाद जब ब्लड एक क्लॉट सी हो जाती है, पास आ जाती है, तो उसके लिए ये ओजोन थेरेपी लेते हैं। ओजोन थेरेपी लेने से क्या होता है, फिर वो जो वैक्सीन का बैड इफ़ेक्ट है वो दूर हो जाता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा, जिन्होंने भी दो दो वैक्सीन लिया या बूस्टर डोज लिया, अवश्य ओजोन थेरेपी करें। क्या बात है गुरुदेव, आप जब अभी बता रहे थे तो उसमें आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट को टच किया, नींद नहीं हो रही है लोगों की। हमारी एक मित्र है प्रज्ञा, वो रात को लेट सोती हैं, सुबह काम के चक्कर में उनको जल्दी उठना पड़ता है। आज के समय में काफ़ी सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है पहला कितना समय सोना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी सारे गुरुदेव कहते हैं कि आप अगर 4-5-6 घंटे भी सोते हैं काफ़ी है, वहीं पर हम विदेशी मुल्कों के लोगों को सुनते हैं, अमेरिका बोलता है कि आप 8 घंटे नहीं सोए तो कुछ नहीं हुआ। तो पहली बात, क्या रात को लेट सोना सही बात है, और दूसरा क्या आइडियल टाइम होना चाहिए सोने का? देखिए, 6-8 घंटे नींद एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ज़रूरत है। यदि आप योगी हैं, अच्छे से योग करते हो, ध्यान करते हो, तो हम तो 3 घंटे से काफ़ी हमारा था। हम 12 बजे सोते हैं, 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, मगर ध्यान करना आवश्यक है, उसके बगैर हम 3 घंटे सोएंगे कि कोई चल पड़ेगा तो ठीक नहीं होगा। सो ये एक बात है। दूसरी बात है, बीच बीच में योग निद्रा कर लिया करें आप, तो 20 मिनट लेट के मन को, शरीर के अलग अलग अंगों में ले गए, तो रिलैक्स करते गए। योग निद्रा भी 20 मिनट का योग निद्रा में करीब 2-2.5 घंटे की जो नींद की जो एनर्जी है वो मिल जाती है।
फिर रात को बहुत देर से खाना खाते हैं तो नींद अच्छी नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होता, और रात को नींद भी आ रही हो गई, रात को नींद भी है मगर उसमें सपने बहुत आए तो भी रेस्टफुल नहीं महसूस होता है। तो इन सब कारणों को लेके मैं कहूँगा कि मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव, एक सवाल हमारे एक मित्र हैं, हमारे सब्सक्राइबर मनोज्ञा जी ने पूछा था। अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने सोचा कि पशुओं को खिलाना एक बहुत पुण्य का काम होता है, तो वो जब देखो अपने गली में जब उनको कुत्ते या कोई भी दिखते थे उनको खिलाते थे। अभी तक सब सही चल रहा था बट अनफॉर्चुनेटली एक पागल कुत्ता था और उन्होंने उनके हाथ को काट लिया जिसके कारण उनको काफ़ी हानि हुई, काफ़ी इंजेक्शन लगा। गुरुदेव, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ जाते हैं, हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ ही बुरा हो जाता है? देखिए, कभी आप खाना पका रहे होते, कभी गर्म पानी ऊपर गिर जाता है, गर्म पानी गिर गया तो जल गया, हाथ जल गया करके हम खाना बनाना छोड़ते तो नहीं है ना। तो इस तरह से इक्के दुक्के ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। वो आपने सही बोल दिया, वो कुत्ता तो पागल था, पागल कुत्ता का पहचान ही यही है, वो काट देता है। तो उसमें अपने केयरफुल रहना चाहिए, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, अपना अपना स्वभाव, अपना काम ये नहीं छोड़ करके, मगर थोड़ा कॉशन तो रखना चाहिए सब। गुरुदेव, जो मेरा मेन पेज है उसमें बिजनेस के लोग और फाइनेंस के और पॉलिटिकल लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मेरा एक मित्र है अखिल, वो पहले कहता था कि मैं जिस दिन कुछ लाख कमा लूँगा मेरे जीवन में, मैं उतने में संतुष्ट होऊंगा, उसके आगे कुछ नहीं कमाना। आज वो कुछ करोड़ों पे पहुंच गया है लेकिन आज भी वो पैसों के पीछे ही भाग रहा है। तो मेरा सवाल, क्योंकि ये आम जनता भी पूछती रहती है कि कितने में हमको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोलें कि दो वक्त की रोटी और खाने के लिए वो मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाए, तो लोगों की इच्छाएं भी तो खत्म नहीं होती है। तो आपके हिसाब से कहाँ पे संतुष्ट? मैं ये कह रहा हूँ कि संतोष और आपकी कमाई को लिंक ना करिए, आप अभी संतुष्ट रहिए और कमाते जाइए, इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, ये नहीं कहोगे कि हम गाड़ी पूरा भर लेंगे फिर हमको गाड़ी भरना ही नहीं पड़ेगा। भाई, गाड़ी भर लोगे उसके बाद चलोगे ना भाई, और चलते वक्त तो पेट्रोल का तो ख़त्म हो जाएगी, फिर आके गाड़ी को भरना पड़ेगा। चलती हुई गाड़ी को पेट्रोल नहीं भर सकते, गाड़ी को रोकना पड़ता है। ऐसे मन को रोकना आप सीख जाइएगा, मन को जितने देर आप थोड़ी थोड़ी देर भी बैठ के ध्यान करें, रोकेंगे इसका दौड़ से, इससे क्या होगा, बुद्धि शक्ति तीक्ष्ण हो जाती है, फिर उत्साह घटता नहीं है, बढ़ता रहता है और संतुष्टि बनी रहती है। जितना मैं समझ रहा हूँ गुरुदेव, ध्यान, मेडिटेशन, योग निद्रा, ये काफ़ी सारी चीज़ों का सल्यूशन निकल के आ रहा है आपसे बात करके। लेकिन मेरा एक और दोस्त है, वो काफ़ी परेशान है, राहुल नाम है उनका, और वो इस चीज़ से परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि शादी पहली बार करें कि ना करें, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, इस समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो कृपया करके आप बताइए। रॉन्ग नंबर है आप पूछ रहे थे, रॉन्ग। देखिए, मन में बहुत सारे चॉइसेस होती हैं, तो कहीं तो अपना करियर जब लेने के लिए चलते हैं हाई स्कूल के बाद, तब भी ये समस्या होती है, या डॉक्टर MBBS में जाऊं या इंजीनियरिंग में जाऊं या आर्किटेक्ट में जाऊं या एग्रीकल्चर में जाऊं, एग्री बिजनेस में जाऊं, इस तरह की कंफ्यूजन तो होता ही। मैं तब कहूँगा तुम अपना इंट्यूटिव एबिलिटी को बढ़ाओ, अपना इंट्यूशन से तुम्हें जो पसंद है वो करो। इसलिए मेरा एक बहुत मशहूर सेंटेंस है, मैं हमेशा कहता हूँ, चॉइस यूअर्स ब्लेसिंग माइंड, तू चुनो मैं ब्लेस करता हूँ तुमको। सेम विथ गर्ल्स ऑल्सो, किसी और को पूछ के तुम लाइफ पार्टनर करना है, कोई और की बात मान के करोगे तो ये तो बनने वाली नहीं है बात। तुम अपने दिल को पूछो और जिसके साथ तुम्हारा वाइब्स बैठता है उनको वाइफ बना दो। क्या बात है। गुरुदेव, रिश्तों की बात हो रही है तो यहीं से एक बहुत ही शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स आ रहा है आज के समय पे
कि 2018 और 17 से देख रहे हैं भारत में भी ना डाइवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं। एंड ये केवल ऐसा नहीं कि केवल लव मैरिजेस में हो रहा है, अरेंज मैरिजेस में भी बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि पहला ये हो क्यों रहा है और दूसरा इससे बचा कैसे? इसमें कुछ अच्छा भी है कुछ नहीं अच्छा भी है। एक तो वुमेन ज़्यादा एम्पावर हो रही है, पहले तो महिला ऐसी शादी में उलझ के पूरी ज़िंदगी उनको बिताना पड़ता था, दुखी रहती थी, खुश नहीं रहती थी, पति मारे तो मारपीट के बावजूद भी घर पे किसी तरह से उनको झेलना पड़ता था, पर दुखी हो रहती थी। वो तो आज भी गांवों में देखिए कई महिला खुश नहीं है, कभी जिससे उसकी शादी होती है वो उनमें कुछ मेडिकल समस्याएं होती है, फिर भी उनको क्या शादी कर लिया तो घर में रहना पड़ता है। तो आजकल महिलाएं ज़्यादा सशक्त हो गई है, नंबर एक। दूसरी बात, महिलाओं को दबा के हम चलते हैं, हुकूमत चलाएंगे घर पे, ये नहीं चलेगा। तो आदमी को भी उनको समान अधिकार देके उनको समरसता से व्यवहार करनी पड़ती है। ये ओरिएंटेशन हमको चाहिए, ताकि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो हम समझते हैं वी हैव टू डोमिनेट ऑन द वुमन, वो बात अभी नहीं चले, वो तो पिछले सदी की हो। तो एडजस्टमेंट, तीसरी बात है, दोनों की तरफ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ऑन द अदर साइड वुमन ऑल्सो, दे कैन नॉट बी जस्ट सो इमोशनली यो, उनमें भी कमिटमेंट को अपने इमोशनल आउटबर्स से ज़्यादा मानना चाहिए उनको। कभी कभी हम भावुकता से आ जाते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं, भावुकता से ऊपर यदि हमारा कमिटमेंट है तो शादी आगे बढ़ जाती है। यदि हम अपना फीलिंग पर ही पूरा हमारा लाइफ को आधारित करते हैं तो वो तो घड़ी घड़ी बदलती है, तब इस तरह से जाके हमें झेलना पड़ता है। और एक और बात है यहाँ सास बहू का, मैं यहाँ कहूँगा कि महिलाओं को कि आप स्किल जान लीजिए, यू बी स्किलफुल इन डीलिंग विथ योर इन लॉस। तो इन लॉस को लेके आप झगड़ा मत करो अपने हस्बैंड के साथ, एंड सेम विथ द हस्बैंड ऑल्सो, वाइफ के साथ अपने इन लॉस के साथ झगड़ा मत करो। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता हुआ आया है, रहेगा, आगे भी रहने वाला है। ये नहीं कह सकते कि सास और बहू में हमेशा ठीक हो जाएगा, बट उसको कितनी मात्रा में हम मैनेज करते हैं, कितना स्किलफुली और एक दिल को जीत पाते हैं हम, उसके ऊपर हमारा जीवन का सक्सेस होता है। तो इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए। मैं सब बहुओं को, महिलाओं को ये कहता हूँ, जरा सोचो तुम्हारी माँ, यदि ऐसी माँ और तुम्हारी सासू माँ दोनों एक ही एज ग्रुप की है, जब माँ जब आपको दो चार बातें सुना देती है तो तुम कैसे लेते हो? उससे एक तिहाई भी सासू माँ सुनाती है तो तुम्हें भूचाल हो जाता है। ऐसा ना करें, माँ के वो हैसियत से ही उनको भी देखें। तो आपकी देखने की नजरिया बदल जाएगी सारी समस्याओं को। वाओ गुरुदेव, क्योंकि रिश्तों की बात चल रही है, एक पहले मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ ये सवाल पूछने के लिए, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, बट मैं पूछना चाहूँगा आपसे। तो हमारे एक मित्र है मानवीर, उसने ये सवाल मुझसे एक बार पूछा जिसका मेरे पास उत्तर नहीं था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब भी कोई ब्याह होता है, शादी होती है, कोई रिलेशन होता है, तो उसमें एक सेक्स का एक बहुत अहम भूमिका होती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब हम शिव जी के बारे में पढ़ते हैं तो शायद उनकी उसमें भी कहीं वर्णन किए गए हैं इन चीज़ों के, तो क्या सेक्स सही है, गलत है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यूथ, जो यंग यूथ है, ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा इसी के बारे में सोच रही है और कुछ नहीं सोच रही है, उसको आए दिन बस इसी शब्द के इर्द गिर्द चल रहे हैं।
आए दिन वो फोन पे बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो गुरुदेव मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। देखिए सेक्स एक नेचुरल चीजें हैं, ये सारा सृष्टि का मूल तो सेक्स ही है। एक कीड़े मकोड़े से लेके किसी भी जानवर और ह्यूमन प्रोजिनी आगे बढ़ना हो तो मनुष्य का जो जीवन इस दुनिया में उसका मूल ही सेक्स है, सेक्स है। तो सेक्स को बुरा भला नहीं करना चाहिए, ये जीवन का अंग है। मगर ऑब्सेस हो जाए उसके प्रति, इससे नुकसान होता है। किसी चीज अति हो जाए वहां पर क्या होता है, व्यक्ति विकृत हो जाता है। जैसे भोजन खाना, जब भूख लगती है तो खाना खाइए, मगर आप खाने ऐसा खाते रहिएगा तो ये एक बीमारी, उसको बोलते बुलिमिया, आपने सुना होगा। वो क्या हो, 6 बार लोग खाते हैं, उल्टी करते फिर खाना खाने लगते, फिर इससे क्या होता है, उनका पूरा सिस्टम जल जाता है, शरीर बीमार से फिर बहुत त्रस्त हो जाता है। तो हम एक उम्र है उसके लिए। अब किसी भी युवा को जब एग्ज़ाम का टाइम हो या कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू देना हो उन दिनों में सेक्स इतना दिमाग में नहीं आती। किसी को ओलंपिक्स में जाना है तो उस जो जोश में या वो स्पोर्ट्स के लिए जो वो करेंगे, वो अपना शक्ति का संचय चाहते हैं उस वक्त, तब उनके मन में नहीं, आज सेक्स में करूं कल मेरा स्पोर्ट्स है, ये नहीं होता है। तो उसके सबके लिए एक टाइम है, लेकिन जानवर भी उसके लिए कोई महीना आषाढ़ मास है, श्रावण मास है, जहाँ पर वो मेटिंग सीजन होता है। तो मनुष्य भी सेक्स को अपने जीवन के स्तर पर जहाँ रखना हो, जितना लिमिटेड रखना उतना रखे, वो हेल्दी है, नहीं तो ज़्यादा ओवर करें और बिफोर द एज इट्स गोइंग टू ड्रेन योर होल क्रिएटिविटी। Those, especially those who are engaged in too much of lust, they cannot think properly. They, उनकी मेमोरी पावर में बाधा आ जाती है, उनकी एनर्जी लेवल खुंठित होने लगता है, फिर क्रिएटिविटी उनमें ड्विंडल होने लगता है, तो ब्रेन पावर कम होने लगता है। तो बॉडी पावर ब्रेन पावर दोनों, इसलिए जिम जो जाते हैं देखिए, दे डोंट इंडल्स टू मच इन सेक्स, बॉडी बिल्डर्स वो नहीं करते है ना, दे नो दे नीड टू मेंटेन देयर वाइटालिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो, किसी को कोई पोएम पोइट्री लिखना हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च करना हो, टू मच इंडल्जेंस होंगे तो माइंड डलनेस आ जाता है, देन दे के नॉट थिंक क्रिएटिवली। सो मॉडरेशन में कहूँगा, सप्रेशन भी नहीं चाहिए मगर एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, गुरुदेव, इसमें मेरा एक और मित्र है अरुण, उनका ये सवाल है कि मैं इस पूरे संसार से उब गया हूँ, मैं सेलिबेसी की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या सेलिबेसी भी लेना सही है इस हिसाब से, क्योंकि शायद उससे क्रिएटिव पावर्स बढ़ जाए? बिल्कुल अच्छा है, सेलिबेसी की तरफ मन आ जाए तो और क्या, बहुत बढ़िया है। तब तो मन चित्त में एकाग्रता आ जाती है, बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है और अपना सेंसेस बड़ा स्ट्रांग होने लगता है। ये तो महर्षि पतंजलि ने बोला है, फिर मैं कौन हूँ वो, मेरा अपना अस्तित्व के प्रति एक होश जागती है, तो अच्छा है सेलिबसी करना। मगर देखिए, सिर्फ मैं सेलिबसी करता हूँ नहीं, सेलिबसी को होने देना चाहिए। वो कैसे होता है, योग के द्वारा। योग करिए, प्राण पर कंट्रोल आए, मेडिटेशन हो, तो सेलिबसी इज जस्ट लाइक एन बाई प्रोडक्ट। तब उसके लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्राण शक्ति में वो ताकत है, ताकि वो बैठे बैठे आपको ऐसी आनंद की अनुभूति होती है, फिर हमको ये नहीं लगता है कि हम अपना शरीर को रगड़ के आनंद हमको पैदा करें, ये नहीं लगता था कि आपको बैठे बैठे सांस की जो गति है उसको, उसके ऊपर, उसके भीतर जाते जाते आपको ऐसा थ्रिल
ऐसा खुशी का सुख का आनंद भीतर से उपजने लगता है। गुरुदेव, क्योंकि हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ आती है उसमें लॉयल्टी। एंड मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है इस चीज़ पे कि लॉयल्टी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम श्री कृष्णा को देखें, उनके पास भी बहुत सारी गोपियाँ थी। हम इंद्र भगवान की बात करें तो हम सब जानते हैं कि वो भी थोड़े वैसे थे। तो क्या सही में आज के युग में, हम कलयुग में, लॉयल्टी को हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए या कैसा है? अच्छा सुनिए, आपका मन, आपका दिल किसी से लग गया, आप क्या चाहते? जिस पर आपका दिल लग गया वो आपसे लॉयल रहे कि वो फ्लर्ट करे? लॉयल रहे। जो आप दूसरों से अपने लिए चाहते हो वो आपको भी करना पड़ेगा। सिंपल यही है। आप जो चीज़ दूसरों से नहीं चाहते हो वो चीज़ आपको भी नहीं करना। ये इसी को एथिक्स का बेस लाइन बताता हूँ मैं। सपोज आप नहीं चाहते आपके वेंडर आपको चीट करें, तो आप अपना कस्टमर्स को भी चीट नहीं करना चाहिए, है ना? इसी तरह से आप चाहते हैं हमारे जो साथ हैं वो हमारे लिए लॉयल रहे, और आपको लगता है मेरा तो लॉयल्टी सबके साथ होगा, ये तो बेईमानी। जी गुरुदेव, एक मेरा मित्र अभिलाष, हमारे फॉलोअर, वो एक बड़ी दुविधा में है। वो 10 करोड़ के कर्जे में आ चुके और उनको लगता है कि अब मेरे पास एक ही सलूशन बचा है, जीवन का अंत करना। पहली बात, क्या इतने बड़े कर्जे से लोग निकल भी सकते हैं? क्या तरीका हो सकता है? और दूसरा, क्या सुसाइड, क्योंकि आज हम देखते हैं यूथ हर दूसरे चीज में सुसाइड। ना, सुसाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं उन सबको कहूँगा जिनके मन में इस तरह का ख्याल उठ रहे हैं, अरे जीवन को ख़त्म कर लूँ। शरीर को ऐसे ख़त्म करने से आप शांत नहीं हो पाओ, आप और भटक जाओ, और पीड़ा होगी आपको। इसलिए जो समस्या है उसको दांत खर्च करके किसी तरह से झेलो, और वो झेलने के लिए आप प्रार्थना करो बैठ के, आपके जो भी इष्ट है, जैसा भी आप मानते हो, साकार निराकार ईश्वर को, ईश्वर मुझे इससे बाहर निकाल। वो दिल से निकला हुआ प्रार्थना की सच में सुनवाई होती है, ये एक मैं कहूँ। और दूसरी बात है, फिर मैं वही बात पर आऊँगा, प्राणायाम अवश्य करें, अब तब रास्ता खुल जाएगी। समाज में मानवीयता आज भी जागृत है, जीवित है, लोग समझते हैं। आपने कहीं से कर्जा उठाया, उस पर खर्चा कर लिया आपने, और कर्जे पैसा डूब गया मान लो, लोगों में अभी भी मानवीयता है, और आप में नियत है, और जब आप बनाओगे पैसे तब चुका दीजिए, रास्ता दी, रास्ता ढूंढिए कैसे और बना सकते हैं। कहीं ना कहीं जॉब मिली जाएगी, इस देश में जॉब की समस्या होगी, जॉब नहीं मिलता, मगर कुछ ना, चूसी मत रहिए, कुछ ना कुछ जॉब लेके कर सकते हैं, है ना? कुछ उगा सकते हैं, कोई फार्मिंग कर सकते हैं, या कोई भी छोटा बड़ा काम करते रह सकते हैं कि अपने जीविका से चल जाए। सुइसाइड बिल्कुल भी मत करें, और अपना आर्ट ऑफ लिविंग की सेंटर देश भर में, दुनिया भर में, कभी भी ऐसा हो आप वहाँ के किसी टीचर के पास पहुँच जाइए, आप उनके साथ बैठिए, थोड़ी देर उनसे आपसे बातचीत करेंगे, आपको कुछ प्रयोग दिखाएंगे, कुछ क्रियाएं सिखाएंगे, आपको लगेगा कि बड़ा रिलीफ मिल गया, फ्रीडम मिल गया, ऐसा आपको लगेगा। गुरुदेव, मेरे आखिरी 4 सवाल हैं, लेकिन इसी से एक सवाल है जो आपने अभी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया। 36,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, इतने सारे देशों में हैं, इतने सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। देखिए, आज एक बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं होता क्या? इतना बड़ा एम्पायर गुरुदेव, कैसे आप और कैसे लोग बचे? यदि वैद्य बीमार हो जाए तो बीमार होकर क्या करें? नहीं, हम तो इससे हमें स्ट्रेस लगते हैं क्या? हम स्ट्रेस तो नहीं लगते। मैं सोचता हूँ।
और गुरुदेव इस स्ट्रेस से लोग आम जनता कैसे बचे? देखिए करने को बहुत कुछ है, समय नहीं है और ताकत नहीं है तो स्ट्रेस बनती है। यही फॉर्मूला है, टू मच टू डू, टू लिटिल टाइम एंड नो एनर्जी। अब एनर्जी बढ़ाइए, एनर्जी बढ़ाइए तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखिए तब भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। और पीछे मोड़ के देखिए कितने बार आप इन सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकले हो, वो भी आपको हिम्मत दे देगा, अच्छा इससे भी हम निकल जाएंगे। आपके भीतर जो जोश है जो उसको जगाइए, स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। श्रद्धा जगाइए, अपने ऊपर श्रद्धा रखे, मैं कर सकता हूँ, करूँगा, उससे हो जाएगा। इस तरह से कई उपाय है। हमने सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता करके किताब बना, मैंने यूजुअली हम हर वेंसडे बैठते थे, जो लोगों का प्रश्न होता था मैं उत्तर देता रहा, उन सबको कंपाइल करके एक सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता करके किताब बनाया लोगों ने। उसमें मैं इन सब बातों पर डील किया, उपाय उपाय के साथ छोटे छोटे उपाय दिए हैं क्या आप कर सकते हैं। जैसे जलसी आती है, क्रोध आता है, ये सब नॉर्मल है लोगों में, ईर्ष्या आ जाना, मगर उसको डील कैसे करें, इस सब के लिए हमें टेक्निक्स चाहिए, कुछ उपाय चाहिए, है ना। सिर्फ बातों से नहीं होता, कहते अरे गुस्सा ना करो, 20 बार सुनने पर भी नहीं होता, है ना। जब आता है तो फ्लड जैसे आ ही जाता है, तूफान उठ ही जाता है उसका। तो इसलिए उन सब के लिए हमारा ध्यान और सांस के पर ध्यान, ये सब करने से बहुत छोटे छोटे टेक्निक होते हैं सब कर सकते। गुरुदेव टेक्निक की बात करी तो मेरे लास्ट 3 सवाल में एक सवाल हमारी एक मित्र ब्राह्मी ने आपसे पूछा था। वो लास्ट टाइम इधर आई थी और उन्होंने इंट्यूशन वाले किट्स को देखा जो यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग में प्रैक्टिस करते हैं, और उनके अंदर एक ही अफसोस रह गया कि ये केवल 18 साल तक के बच्चे ही सीख पाते हैं। सवाल ये है कि अगर वो उम्र चले गई है तो अब हम कैसे उस तरह की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं? नहीं, आपके भीतर भी वो एबिलिटी आ सकती है, मगर समय ले, उसे ध्यान करिए, आप मेडिटेशन करिए, साइलेंस रिट्रीट करिए, देखिए फिर होने लगे। मैं एडल्ट के लिए भी अभी किया, हमने किया है, करीब 150 लोगों को हमने इस पर ट्रेनिंग दिया है, वो बैठ के किसी का भी आगे का पीछे का सब देख पाते हैं। गुरुदेव सेकंड लास्ट सवाल लेकिन इस सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। गुंजन ने पूछा है सच्चा प्यार होता क्या है और कैसे पाया जाए? सच्चा प्यार तो तुम ही हो, उसको पाने की चेष्टा मत करो, प्यार देने की चेष्टा करो, देने लग जाओ, चेष्टा भी नहीं बोलूंगा, आप प्यार बांटने लगो तो आपके पास 100 गुना बढ़, वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। एंड गुरुदेव आखिरी सवाल, कल्याण ने ये पता करने के लिए कहा था कि आपने कहा कि हम पूजा करें, ध्यान करें, प्रेयर करें, बट हम जब वेस्ट में जाते हैं तब काफी सारे लोग होते हैं जो ये सारी चीजें शायद नहीं करते हैं, स्टिल विकसित हो रहे हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे प्रोग्रेस के मामले में हो, तो क्या वेस्ट वाले इस तरह से कैसे प्रोग्रेस कर लेते हैं? नहीं, आप समझते वेस्ट वाले नहीं, वेस्ट वाले तो बहुत करते, बहुत प्रेयर में बहुत विश्वास करते हैं, वेस्ट में बहुत करते हैं, क्यों नहीं। अब आजकल देखिए वेस्ट में योगा इटसेल्फ, योग का ही कितना $40 बिलियन की इंडस्ट्री है। हाँ, हर गली में लोग, 47% ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी योगा पर विश्वास करते हैं, कर्म थ्योरी पर, व्हाट इज द नंबर, सम बिग नंबर ऐसे ही कोई, 44% ऑफ पीपल बिलीव इन कर्मा, 52% ऑफ पीपल बिलीव इन वेजिटेरियनिज्म इन अमेरिका। इफ यू गो टू अदर कंट्रीज वेर एवर इन यूरोप एंड जर्मनी एंड ऑल, यार दे ऑल बिलीव इन सम फॉर्म और अदर। मेडिटेशन तो आज सब पॉपुलर, एक तिहाई दुनिया की पॉपुलेशन ने अभी वो योगा को अपनाया। गुरुदेव ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा, अगर आप अनुमति दे एक सेल्फिश क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ, पूछ। आपने कर्मा की बात करी, मेरा सिर्फ ये है, ये जो टेररिस्ट लोग रहते हैं ये इतने निर्दोषों को मारते हैं, क्या ये लोग अपना कर्म आगे चल के सुधार सकते हैं? अवश्य,
अवश्य हमने देखा बहुत ऐसे लोग जीवन में पूर्ण 180 डिग्री चेंज हुआ ऐसे लोगों का। काफ़ी लोगों के साथ हमने हिजबुल्ला मौजूद कश्मीर के काफ़ी ऐसे हिजबुल्ला लोगों ने किया है, जैसे उन्होंने ध्यान करने लगा वो हिंसा का मार्ग त्याग दिया। नक्सल लोगों ने बहुत लोगों ने किया, इसका हमारे आप देख सकते हैं बहुत सारे इस पर आर्ट ऑफ लिविंग इस क्षेत्र पर बहुत काम किया दुनिया भर। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार गुरुदेव, एक और बार आपका